चलिए, इस कुंडली को देखिए, आप लोग प्रिडिक्शन करोगे। सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड, देखो इसमें कौन बना है। मर्करी तो यही है, मर्करी 3 34 11 9 96। मरकरी को देखिए, मरकरी टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है? अनटैलेंटेड तो इनको क्या काम करना चाहिए? 6 8 9 आ रहा है। एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस कर सकते हैं? ठीक है, एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी अनटैलेंटेड भी बिजनेस ही है। एस्ट्रोलॉजी का काम कर सकते हैं, तो ज्योतिषी बन सकते हैं कि नहीं? मरकरी 8 भाव से कनेक्टेड है। कंसल्टेंसी दे सकते हैं लोगों को? दे सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं उससे? नाइन सेक्स भी आ रहा है, पैसा भी कमा सकते हैं कि नहीं? वाह वाह ज्योतिषी जी वाह। उसके बाद 6 हाउस आ रहा है, बिल्कुल सर्विस रिलेटेड काम कर सकते हैं। सकता तो ये है। अगर आप ही दे काम दीजिए करते थे, सर्विस। अगर ये बिजनेस करते थे, काउंटर काउंटर जाके लोगों को कपड़े दे के आते थे, तो सर्विस ही दे रहे थे ना एक तरह से, तो सक्सेस था कि नहीं था? सक्सेस रहा होगा। 9 नंबर है, गाइडेंस देना, तो उसमें बातें भी बता देते हो, ये कपड़ा नहीं, ये कपड़ा पहनाइए। तो नवा आ गया, एज ए कंसल्टेंट भी वर्क कर सकते हैं। नवम भाव से जुड़ा हुआ जितना भी काम है उससे जुड़ा हुआ ये काम कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सबसे अच्छा रहेगा 8th हाउस का काम करना, क्योंकि मरकरी 8th हाउस में बैठा है खुद, और सन जो है 8th हाउस का लॉर्ड, वो भी 8th हाउस में बैठा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो मरकरी और सन 8th हाउस में बैठने से सबसे अच्छा रहेगा अगर ये एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं तो। समझ गए? नहीं समझ गए? अब तुम 2 लाख और जमा करो, सारे कोर्स करो अकेले बैठ के। समझ गया। समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग? ऐसे चेक किया जाता। फिर उसके बाद जो दशा चल रही है वो चल रही है सन की। अब दशा बताएगी कि समय में एस्ट्रोलॉजी को किस तरह से यूज कर सकते हैं, या 8th हाउस के काम को कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 10 आ रहा है, क्योंकि जुपिटर शायद अनटेनेंटेड है क्या? जुपिटर भी देखो अनटेनेंटेड है, तो 3 12 5 7 10 दे रहा है। तो अगर ये कोई आउटलेट वगैरह खोलते हैं किसी चीज का, तो सक्सेसफुल रहेगा। 3 नंबर है, कमीशनिंग पे कोई काम कर सकते हैं। 12 नंबर है, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 5 नंबर है, तो 5 नंबर से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, स्टॉक या शेयर मार्केट में भी ध्यान दे सकते हैं। 10 नंबर है, 10 नंबर से भी जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। तो इन सब चीजों से जुड़ा हुआ अगर करेंगे तो बढ़िया रहेगा। एस्ट्रोलॉजी को भी अगर इन नंबर से अगर कनेक्ट किया जाए तो भी मजा आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग? समझ अब देखिए, 10th कस्पल सब लॉर्ड इनका जो था वो बना था जुपिटर, और जुपिटर खुद 7 नंबर दे रहा था, तो मतलब इनको वैसे ही बिजनेस में आ जाना चाहिए। और उसका जो एनल बना है वो बना है वीनस, वो बैठा भी 7th हाउस में, दिख रहा है? तो इनको बिजनेस तो वैसे ही करना चाहिए इस हिसाब से। अभी आप लोग को जितने लोगों को सबको रत्न सजेशन करना बताया था, इसमें बताइए मंगल का रत्न ये पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते? यद्यपि मंगल नीच का है, फिर भी पहना जा सकता है कि नहीं? मंगल का रत्न पहना जा सकता है कि नहीं पहना जा सकता अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो? 7 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, तो 100% पहना जा सकता है? नहीं पहना जा सकता? समझ में आ रहा? कैसे देखते हैं करियर? अनुराग जी समझ में आ रहा है? मैं जी मनीष जी अपना बताइए, डेट ऑफ बर्थ आइए। भैया 16/9/1991।
मतलब नीच का हो पर कारक हो तो पहन सकते हैं रत्न। बहुत ज्यादा जानकारी है तुमको। नहीं समझ में आ रहा सर, इसलिए पूछा 1991 रत्न का। टाइम क्या भैया? 5:17 AM। बाराबंकी लगा दीजिएगा। टेंथ के आसपास अब लॉर्ड कौन बना है? गुरु जुपिटर। ये गुरु ही है। टैलेंटेड है कि अनटैलेंटेड है? टैलेंटेड है। अनटैलेंटेड है, क्योंकि यहाँ नहीं केतु भैया का एनल टैलेंट। बना है जुपिटर, और हाँ जुपिटर का अरे एनल नहीं बना है केतु। जब ऐसी कंडीशन कभी बने कि एक प्लेनेट एक नहीं दूसरे का एनल बना हुआ है, तो वो प्लेनेट अनटैलेंटेड हो जाता है। मतलब इधर जुपिटर के रिजल्ट जो है वो केतु दे रहा है, केतु के रिजल्ट जुपिटर दे रहा है, तो यहाँ जुपिटर के रिजल्ट केतु दे रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से। लिख ले, रूल लिख ले, टैलेंटेड और अनटैलेंटेड का एक और रूल है कि अगर कोई भी प्लेनेट किसी का एनल बना है और वो जो एनल बना है, जो एनल बना है प्लेनेट, वो सोर्स वाले प्लेनेट को भी एनल बनाए है, तो वो प्लेनेट जो है वो अनटैलेंटेड प्लेनेट हो जाता है। यहाँ केतु भी अनटैलेंटेड है और जुपिटर भी अनटैलेंटेड है। अब देखो कौन सा काम कर रहे हैं, 5, 8 और 12 का ही काम कर रहे हैं। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? 5, 8, 12 चीख रहा है कि नहीं चीख रहा है अलग से? और जुपिटर खुद सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग है, तो सॉफ्टवेयर का काम है। तो यहाँ पे 8 भी आ गया, 2 था, 8 आ गया, 5 भी आ गया, R&D करते हैं, 12th आ गया, 8th आ गया, इंजीनियर भी है, और 12th आ गया तो बाहर की कंपनी, MNC कंपनी। उसके बाद 6 कस्पर सब लॉर्ड पकड़िए, वो भी देखो अगेन जुपिटर ही बना है। तो 10th कस्पर सब लॉर्ड और 6 कस्पर सब लॉर्ड जुपिटर ही बना है, इसलिए प्रोफेशन जो है वो इन्हीं से कनेक्टेड आ गया। जुपिटर बैठा कहाँ पे? जुपिटर 12 में बैठा है, इसलिए फॉरेन वगैरह में अगर ये जाएंगे तो ज्यादा अच्छे से बेनिफिट आए। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? आप हाँ लोग भैया तो करियर जो निकल करके आया वही निकल करके आया जो ये कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अनुराग जी, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल कर रहा। और किसका देख ले बताओ? क्या देखिए भैया मेरा, पर मेरा तो आप बोल रहे हो कुंडली नहीं सही है। सर जिसका देख सही है, सर सही है, बहुत अच्छी है। हाँ सर बताइए एक बार क्या तपस्या जी? देख मेरा देख लीजिए एक बार। अच्छा बताइए डेट ऑफ बर्थ। 24 मई 1994, 1994। 24 मई 1994। टाइम? दोपहर के 12:41। 700 पड़ जाएंगे। हाँ सर। और कानपुर बर्थ प्लेस। यहाँ जो दिखवा रहे हैं उनका ज्यादा परीक्षा पड़ना चाहिए। जो संकल्प संकल्प गुरु जी शादी तो हुई नहीं, आप पे लग रहा है करवा चौथ का खर्च कुछ ज्यादा ही आ रहा किसका? है। हमें लग तो यही रहा है, तैयारी पूरी चल रही है। अरे यार बात सही कही अनुराग जी ने, बिल्कुल। अच्छा फिर तो बताइए तपस्या जी। 24 मई उन्नीस 24 मई 1994, चौरानवे टाइम क्या बारह है? बज के 41 मिनट 12:41 कानपुर ये नेहा शर्मा तुम्हारी बहन थी ना, उसका भी दिखा। देखिए 10th कस्पर सब लॉर्ड कौन बना है?
शनि शनि बना है तो क्या होना चाहिए काम आपका, करियर क्या होना चाहिए? पहले तो देखो शनि टैलेंटेड है कि अनटैलेंटेड है, तो शनि अनटैलेंटेड, ठीक है। राहु के पास चार नंबर आ रहा है, छह आ रहा है, सात आ रहा है, आठ आ रहा है, नौ आ रहा है, लेकिन आप देखो सबसे ज्यादा रिजल्ट कौन देगा? शनि देगा, देगा कि नहीं देगा? अगर वो अनटैलेंटेड तो शनि क्या दिखा रहा है करियर में? नौकरी दिखा रहा है, छह नंबर में बैठा है, ठीक है, इसलिए नौकरी कर रही हो आप, कोई बात नहीं। नौकरी वाले प्लेनेट को पकड़ो, सिक्स कस्पस ऑफ लॉर्ड पकड़िए, कौन बना है? मरकरी, मरकरी को पकड़िए। मरकरी टैलेंटेड है कि अनटैलेंटेड है? अनटैलेंटेड है, और मरकरी अनटैलेंटेड है। मरकरी जो है वो मार्स, मार्स का एनल एनल बना है, मरकरी का एनल बना है मार्स, है ना। मरकरी कहाँ बैठा है? टेंथ हाउस में बैठा है खुद, तो गवर्नमेंट, ठीक। उसके बाद मार्स चार आठ और नौ, क्योंकि आठ में बैठा है, नौ में उसकी एक राशि पड़ी है और एक चार नंबर में राशि पड़ी है, तो चार नंबर का काम कर रही हो, टीचर हुआ, ये घर खाली है। सर चेंज कर सकते, मतलब हायर टीचिंग में है मेरा, 100% हायर टीचिंग या सिविल हो गया है, क्योंकि वन आ जाएगा और अच्छे पद पे भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे टेंथ हाउस भी आ जा रहा है ना मरकरी के साथ में, मरकरी टू टेन अलेवन लेके चल रहा है, तो ये अच्छा ही है, बढ़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब करियर चेंज है मेरे, करियर चेंज है कि नहीं सर? 100% एट नंबर तो आ ही रहा है ना, एस्ट्रोलॉजी मान लो कर ही रही हो एज ए प्रोफेशन, इसको भी आप कर सकते हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी आ रही है, आठ नंबर जी, आठ नंबर भी आ रहा है ना आपके मरकरी के साथ, जी जी। कहने का मतलब क्या, और चार नंबर का आप काम कर ही रहे हो मार्क्स का, टीचर हो आप, जूनियर में पढ़ाते हो, तो चार नंबर वाला काम है आपका, समझ गए जी सर? नहीं समझ में आया? हाँ सर आ गया, आ गया। चलिए नेहा जी क्या करती हैं तुम्हारी बहन? टीचर है, चलो इनकी और एक टीचर जी कुंडली दिखाते हैं, नेहा शर्मा, ये देखो, एक मिनट देखो, टेंथ कस्पर सब लॉर्ड कौन बना है? सैटर्न। और सिक्स कस्पर सब लॉर्ड कौन बना है? सैटर्न। सैटर्न कौन कौन से नंबर दे रहा है? टू टेन, टू टेन। राहु टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है? तो राहु अनटेनेंटेड है, ठीक है। तो राहु कौन कौन सा नंबर यहाँ दे सकता है एनएल लेवल पे? जो जो घर खाली होंगे, तो दूसरा राहु का दूसरा घर खाली है? नहीं। तीसरा खाली है? नहीं खाली है, ठीक है। सातवां खाली है? हाँ खाली है। आठवां खाली है? खाली है। नवा खाली है? नहीं खाली है। बारहवां खाली है? बारहवां खाली है। तो ये जो है वो टीचर है, लेकिन इन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि हम इससे सेटिस्फाई नहीं है, हमें और अच्छी जॉब चाहिए, तो मैंने हाँ बोली है, मैंने कहा आप इस जॉब के लिए बने ही नहीं हो, तो वो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाह रही हैं, आप लोग खुद बताइए हो सकता है कि नहीं हो सकता? 100% हो सकता, क्योंकि 10 नंबर तो आई रहा है, 10 नंबर आ रहा है, ठीक है। तो 100, तो मैंने इनको बोला आप टीचर जो हो वो आप ऐसे वैसे ही बन गए, मतलब कहने का मतलब ये, आपकी लर्निंग अच्छी थी, एजुकेशन अच्छी थी, तो आपने नॉर्मली फॉर्म भी डाल दिया, तो आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन आप उस चीज के लिए, उससे उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है, है संकल्प सर, उस जॉब से उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो कह रहे हैं मैं बड़ी जॉब के लिए बनी हूँ, तो बड़ी जॉब के लिए बनी है कि नहीं बनी? 10 नंबर आ रहा है, तो 100% वो बड़ी जॉब के लिए ही बनी है, तो अगर वो इस लेवल पे जाती है तो 100% उनको अच्छे सक्सेस मिल जाएगी, समझ गए आप लोग? तो अगर कोई नंबर कोई काम व्यक्ति कर भी रहा है ना, और उससे उसका मन उब रहा है या मन में मजा नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर उसमें आ नहीं रहा हूं, इसलिए समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे हैं? जी जी समझ। चलिए फिर और कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? तो कैसे चेक करोगे? सेकंड कस्पल सब लॉर्ड बताएगा, सेकंड कस्पल सब लॉर्ड बताएगा पैसा कहाँ से आएगा, किन हाउस का काम करके पैसा आएगा, इन्हीं का देख लो एक बार और, पैसा देख लो कैसे कहाँ से आ रहा है पैसा, तो सेकंड कस्पल सब लॉर्ड देखो इसमें,
सेकंड कस्पर सब लॉर्ड कौन बना है? वीनस। वीनस टैलेंटेड है कि अनटैलेंटेड है? वीनस को अनटैलेंटेड है ना, और फाइव नंबर लेके चल रहा है, पांच नंबर। तो एजुकेशन का चार नंबर भी होता है, पांच नंबर भी होता है, ठीक है। चार नंबर प्राइमरी टीचर का होता है और पांच नंबर इंटरमीडिएट टीचर का होता है। किस क्लास में पढ़ाती है? इंटरमीडिएट में पढ़ाती है इनकी बहन, पांच नंबर आ रहा है। इंटरमीडिएट ही पढ़ाती ना, माइक में बोलो। इंटरमीडिएट ही पढ़ाती, तो पांच नंबर आ रहा है, इसलिए पैसा कहाँ से आ रहा है? इंटरमीडिएट पढ़ा के पैसा आ रहा है। 10 भी आ रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रही है, उसके थ्रू पैसा आ रहा है। टिक रहा है पैसा, टिक रहा है, थोड़ा बहुत खर्चा भी हो रहा है, टिकेगा नहीं ज्यादा, लेकिन अभी दशा भी चल रही है वीनस, ठीक है। इंटरमीडिएट जो होता है वो चार नंबर प्राइमरी एजुकेशन का है, पांच नंबर इंटरमीडिएट पढ़ाने का, याद रखना आप लोग। तो पांच नंबर आ रहा है, इसके थ्रू ये पैसे आ रहा है। समझ में आ रहा है अनुराग जी? नहीं आ रहा है, ऐसे ही नहीं बता, ज्योतिष बता दे रहे हैं आपको। नहीं, बिल्कुल। इंटरमीडिएट एजुकेशन, नाइन नंबर हायर एजुकेशन। सर ये वाली पढ़ाई जो, जैसे आपने मतलब जैसे इनका 10 आ रहा था या फिर और किसी के और कोई नंबर आ रहे हो, तो उसके बिहाफ पे देख के ये बता सकते हैं कि कौन सा करियर ये और जा सकता है? यस, इसमें और भी चीजें देख सकते हैं, इसमें और भी देखा जा सकता है। 10 नंबर का काम करके भी पैसा आ सकता है सर, ये चीज श्योरिटी से बताई जा सकती है इस चीज से कि मतलब करियर चेंज होगा या नहीं होगा। के लिए 8 नंबर चाहिए ना, तो आपके में 8 आ रहा था, तो मैंने बोला हाँ चेंज कर सकते हैं। चेंजमेंट का हाउस 8 है ना, हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन का, तो आपके में 8 आ रहा था ना, चेक करना फिर से। अगर जैसे मान लीजिए कोई पूछ रहा है कि उसका करियर चेंज होगा कि नहीं, तो उसमें 8 और 1 नंबर आए, 8 आ जाए तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा। अच्छा सर, नहीं तो हिम्मत ही नहीं कर पाएगा आदमी चेंज करने की। अच्छा अच्छा, समझ गए जी जी। और देखें कुछ पढ़ी हो तो और दिखा दो। बाकी इसमें आज लखन जी ने ज्वाइन नहीं किया किसी कारण से, संजीव बाबा की। मुझे नहीं ध्यान आ रहा, नितिन की भी लगा। चलिए खैर, इतना समझ में आ गया ना आप लोगों को, अब कर ले जाएंगे करियर काउंसलिंग किसी की। सर जैसे अगर मान लीजिए इंटर तक के बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या करें, इंटर में कोई है तो भी हाँ। इसी तरीके से देख के बताएंगे एकदम एकदम ऐसे। 10,000 देखेंगे तब क्या? जैसे कोई अगर मतलब जैसे अभी तो हम लोग जैसे जो कुंडली देख रहे हैं, ये लोग तो सब काम कर रहे हैं, अगर कोई स्पेसिफिक पूछ रहा है मैं नौकरी किसकी करूं, कोई कह रहा है मैं बिजनेस किसका करूं, है ना, पकड़ो सेवंथ को पकड़ो, मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, तो फिर सेकंड को पकड़ो, मुझे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना उसमें क्या करूँ, फिर फोर्थ को पकड़ो। है? क्यों भैया, ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई पूछे मैं मतलब बिजनेस किसका करूं, लेकिन वो बिजनेस करने के लायक हो ही ना, मतलब करने है उसमें आ ही ना रहा हो, बिजनेस मतलब वाले नंबर ना आ रहे हो, सही नहीं हो सकता क्या? तो क्यों नहीं हो सकता, जो नंबर आ रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ बिजनेस करवा दीजिए। मान लो 5, 8, 12 को हम लोग अच्छा पैसे वाला नंबर नहीं बोलते, है ना, बोलते कि नहीं बोलते? पैसे वाइज तो अच्छा नहीं है ना, लेकिन जो 5, 8, 12 का बिजनेस ही कर रहा है मान लो, वो तो कर ही ले जाएगा ना। 5 नंबर होता बच्चों का काम, 8 नंबर इंडस्ट्री, 12 नंबर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो जो उसी का काम कर रहा है वो तो कर ही ले जाएगा ना। सो प्रॉपर्टी के काम में 4th सीएसएल देखते हैं। अनुराग जी की कुंडली है मान 4th, अब ये कह रहे हैं हमें प्रॉपर्टी का काम बताइए क्या करें, तो 4th कस्पर सब लॉर्ड पकड़िए, कौन बना, मार्स बना है,
मार्स को पकड़िए, मार्स में कौन आ रहा है? राहु आ रहा है, 1, 3, 4, 6, 8, तो इनको ये कहा जा सकता है भैया 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है। देखो आप प्रॉपर्टी खरीद के भी बेच सकते हो, लाइजनिंग भी खा सकते हो, है ना, 6 नंबर आ रहा, मोटा कमीशन भी ले सकते हो, 8 नंबर आ रहा तो इनलीगल कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, क्योंकि 8 नंबर इनलीगल का भी होता है राहु का। तो जैसे ये हमको बता भी रहे थे कि मैं क्या करता हूँ, आप खुद बताइए अनुराग जी कैसी प्रॉपर्टी उठाते हैं, विवादित कहा जा सकता है भाई तुम एक काम करो, कोई विवादित प्रॉपर्टी उठाओ, उसको जो है उसमें मोटी कमीशनिंग खाओ, विवादित प्रॉपर्टी उठाओ, मोटी सिक्स हाउस कमीशनिंग खाओ और बचा ना पाओ, वो कमीशन बचेगा भी नहीं अगर भी कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि फर्स्ट भी आ रहा है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ हमेशा यही हो रहा है, तो वो ज्योतिषी को दे आओ। अच्छा ये सही है, तो फीस ज्यादा लगेगा सर आपकी। मेरे यहाँ ये भी यही काम करते हैं, लेकिन पैसा इनका कहाँ जाता है कुछ नहीं पता, जैसे आप बोल रहे हो तो हमें लगता है इनका भी यही आ रहा होगा सब। एकदम एकदम चेक करिए ना, पता चल जाएगा अपने आप। अब आज करेंगे तो कोई स्पेसिफिक कोई चीज पूछता है, फिर आपको अब कोई कह रहा मैं कमीशनिंग किन चीजों का करूं, किस चीज का, तो जुपिटर आ रहा है, अब जुपिटर को पकड़ लो, जुपिटर क्या आ रहा है, 9 नंबर आ रहा है, टेरेंटेड है कि अनटेरेंटेड ये भी चेक कर लीजिए, तो टेरेंटेड है मतलब जितना खाना पीना है वो 9 नंबर से ही खाना है पीना है आपको, तो किस पे कमीशनिंग कर सकते हो, 9 नंबर पे कमीशनिंग कर सकते हो। 9 नंबर किसका होता है, टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट का काम है कि नहीं है, उसमें कमीशनिंग खा सकते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स के काम पे करते नहीं है क्या लोग, टिकट विकट जो बेचते हैं टूर एंड ट्रेवल्स का कमीशन मिलता है? हां उसमें कमीशन ही है, बुकिंग के लिए ट्रांसपोर्ट पूरा नवम भाव है, बड़े जो टूर एंड ट्रेवल्स की गाड़ियां जाती हैं उसमें भी पूरा 9 नंबर आ रहा है, अपनी खुद की गाड़ी भी आदमी चलवा सकता है, शिप चलवा सकता है, कितने करने काम, 9 नंबर से जुड़ी कमीशनिंग करो आप, सक्सेस हो, बस इतना ही बोलना। कोई कह रहा है मैं सेकेंड हाउस से जुड़ा हुआ क्या काम करूं, तो वो हाउस पकड़ लो, जिस हाउस को वो पूछ रहा है, जो उसका क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड उसका हाउस पकड़ लीजिए आप। वो कह रहा मेरे फ्रेंड के साथ मुझे काम करना है, क्या काम करूं मित्र के साथ, तो 11th कस्पर सब लॉर्ड पकड़ लीजिए, यही पकड़ लीजिए, 11th कस्पर सब लॉर्ड कौन बना है, वीनस, वीनस को पकड़ लीजिए, वीनस अभी सब बता देगा मित्र के साथ क्या काम कर सकते हैं, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 11 आ रहा है, तो मित्र के साथ प्रॉपर्टी वगैरह खरीद बेच सकते हैं आप, इनलीगल प्रॉपर्टी को फ्रेंड के साथ मिलके खरीद बेच सकते हैं, अच्छे से चल जाएगा। 8 नंबर एस्ट्रोलॉजी भी आप मित्र के साथ कर रहे हो, बिल्कुल आपकी, आप अपने मित्र को भी लेके चले आए, आए कि नहीं आए, बिल्कुल आप कुछ पढ़ो लिखोगे ना, कुछ भी सीखोगे तो आप अपने मित्र को इन्वॉल्व जरूर करोगे, ऐसा रहता है जी, मोस्टली रहता, बस समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इससे जुड़ा हुआ काम भी आप एस्ट्रोलॉजी साथ में कर सकते हो, 4 नंबर वास्तु साथ में कर सकते हो, तो ये सारी चीजें आप साथ में मिलकर कर सकते हो। आप कोई पूछ रहा है इंडस्ट्री कैसे लगाए, बताया तो आपको पैसा रुकने का, दशा चंद्रमा की चल रही है, चंद्रमा के पास 5-7 बार आ रहा है, बताया तो 5 नंबर और 12 नंबर को इन्वेस्टमेंट, और 5 नंबर 5 नंबर की चीजों में पैसा लगाते रहिए, बच्चों के ऊपर, बच्चों के नाम को फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, अपने आप हो जाएगा, पैसा लिक्विड मनी के रूप में नहीं रहेगा, एसेट्स के रूप में रहेगा आपके पास, आप अगर उसको एसेट्स में कन्वर्ट करना चाहो तो आप अपने एक बच्चे के नाम कोई पॉलिसी कर दो, ठीक है, और एक 12 नंबर कहीं इन्वेस्टमेंट करते रहो, अपने आप पैसा रुकता रहेगा, सोर्स में 9 नंबर भी आ रहा है तो पिता को भी इन्वॉल्व कर सकते हो आप। आई थिंक बच्चे के नाम करना ज्यादा बेटर रहेगा, इन्वेस्टमेंट आप करते रहो, चाहे लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट करते रहो, चाहे आप कुछ पढ़ते सीखते रहो, है ना, और चाहे बच्चे के नाम कोई फिक्स डिपॉजिट कर दो, अच्छा तो एसेट्स के रूप में पैसा टिक जाएगा, उसके लिए अभी प्लान कर लो, उसके शादी में क्या कर सकते हो, एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ना चालू कर दीजिए, तो वैसे जुड़ जाएगा, डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, क्योंकि जब तक ये चंद्रमा की दशा चलेगी तब तक पैसा आप वैसे नहीं जोड़ पाओगे, बिल्कुल, और अभी बहुत लंबी चलनी है, समझ गए, तो इसलिए पैसा रोकना भी है तो बच्चे के नाम से रोको, पैसा आपके पास रुकने का योग ही नहीं है, 2 नंबर तो कहीं जल्दी आ ही नहीं रहा है ना, आपका एक ही एक दिख रहा है हर जगह, ज्यादातर एक ही दिख रहा है, दो दिख नहीं रहा, तो पैसा जल्दी टिकना नहीं है, सूर्य की दशा अंतर दशा आई होगी तो पैसा आएगी तब टिकेगा, या मरकरी की आएगी तब टिकेगा, वैसे ओवरऑल कहीं टिकेगा ही नहीं पैसा,
तो अभी क्या कर सकते हो, अभी जो बिजनेस से आपके पास पैसा आ रहा है वो बच्चे के नाम फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो कोई फ्यूचर प्लान करके, और 12 नंबर कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 12वें नंबर से रिलेटेड। 7 नंबर आ रहा तो भैया मतलब 7 नंबर से तो पैसा आ ही रहा है ना, रिटेल से पैसा तो आ ही रहा है ना, तो मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि अपनी वाइफ के नाम या मतलब जो भी पार्टनर उसके नाम कर दें। तो फिर इन्वेस्टमेंट 12th हाउस होता है, अब ये बताएगा किसके नाम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सन पकड़ो ना फिर आप यहाँ पे। अच्छा। सन पकड़ो तो 2 नंबर फैमिली में किसी के नाम, बच्चे के नाम, और 10 नंबर फादर भी होते हैं, तो फादर के नाम, फैमिली के नाम, बच्चे के नाम इन्वेस्टमेंट कर सकते। पत्नी आई नहीं रही कहीं से, पत्नी के नाम करनी भी नहीं चाहिए हमें लगती है, क्यों बता गया। सही बात है बिल्कुल, काम वही आती है। वो पैसे दबे रहते हैं ना, वो खुलते रहिए जरूरत पड़ने पे, वो अपनी जरूरत पे खुल जाते हैं। फिर अभी कोई घर में कोई डेकोरेशन करवाना होगा तो पैसा आ जाएगा सामने, क्यों अनुराग जी। बिल्कुल, और नहीं तो वो हाइड मनी रहेगी, वो पता नहीं हमारे पास कहाँ पैसा देते हैं। भैया आप उस गली गए नहीं, आपको एक्सपीरियंस इतना कैसे है ये बताइए। अरे हमें सब एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस वालों के साथ बैठे हैं ना, समस्या तो ये है। अब अनुराग जी जैसे लोग बैठे हैं तो सब बताते रहते हैं ना, आके पेन ड्राइव लेके आते सब बता के चले जाते। बिल्कुल है कि नहीं। चलिए फिर, इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, अब क्या करना है जी गुरु जी। जिस भी कस्पल सब लॉर्ड का सामने वाला क्वेश्चन कर रहा है करियर को लेके, बस उसी को पकड़ो, ज्यादा मत तमाशा मत करिए। अगर नौकरी पूछ रहा है तो 6 कस्पल सब लॉर्ड, किस चीज से जुड़ी हुई नौकरी करनी है। अब वो पूछ रहा है 7 से बिजनेस किस चीज का करना है, नॉर्मल लोग इसी से आएंगे, या तो नौकरी पूछने आएंगे या बिजनेस पूछने आएंगे, बस इन्हीं को पकड़िए, बता दे कुछ नहीं करना। अभी मैं आपको एक वही लिस्ट भेजी है नहीं भेजी पता नहीं, लेकिन मैं एक बार और शेयर कर दूंगा, उसमें प्लैनेट्स को भी पढ़ना, प्लैनेट्स भी वैसे ही काम करते हैं, प्लैनेट बहुत बड़ा काम करते हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में कभी और आपको बता देंगे, रिवील कर देंगे और थोड़ा सा डिटेल में, शायद नवंबर के आसपास एक इवेंट भी करें, तो वो केवल करियर को ध्यान में रख के ही होगा, तो वो बहुत सारी चीजें उसमें रिवील और अलग से करेंगे। बाकी जो भी नाड़ी करेंगे उसमें बेनिफिट आप लोग को मिलेगा ही, तो चिंता करने की कोई नहीं, ठीक है। चलिए फिर, जय श्री राम। अभी क्लास को विराम दे, कुछ और पूछना है किसी नहीं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। भूमिजा आपको कुछ पूछना है? नहीं सर, ठीक है, चलिए, थैंक यू।